नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम में और न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो वीनस गोचर कर रहा है वन नंबर एरीज मेष में, तो उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। तो इसके लिए हम अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगे रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जय माता दी फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। वीनस गोचर कर रहा है वन नंबर एरीज मेष में, इंडिया के 12th हाउस में, तो इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। 24th ऑफ अप्रैल को ये चेंज है, 19th मई तक चलेगा, 26 दिन का चेंज, तो इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। आज है 18th ऑफ अप्रैल 2024 थर्सडे, सेम डे हम वीडियो बना रहे हैं, सेम डे ये शूट हो रही है, सेम डे ही अपलोड होगी। और हमेशा की तरह आज हम 6 लग्न डिस्कस करेंगे पार्ट वन में, एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। बाकी के 6 लग्न हम कल डिस्कस करेंगे और रेमेडीज भी उसी में बताएंगे। ये इंडिया के कुंडलियां, आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस, और हमारी जो प्रिडिक्शन होती है वो लग्न से होती है। लग्न मींस फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में देखिए आपका कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। मून साइन से हमारी प्रिडिक्शन नहीं होती। चलिए अब मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। फ्रॉम एरीज वीनस एस्पेक्ट्स इट्स ऑन साइन लिब्रा। यहाँ से वन नंबर से यहीं पे चेंज है, यहीं पे शुक्र आ रहा है, और ये अपने 7th एस्पेक्ट से देखेगा, 7 नंबर लिब्रा अपने ही साइन को। त्रिगेही योग इन मेष। मेष में वन नंबर में 3 प्लैनेट्स हैं, सूर्य, शुक्र और गुरु। वीनस आउट ऑफ राहु मंगल। शुक्र जो है वो राहु और मंगल के उससे एस्पेक्ट से बाहर आ चुका है। गर्ल्स विद हार्मोनल इश्यूज टू फील बेटर। जिन गर्ल्स को हार्मोनल इश्यूज थे वो अब बेटर फील करेंगी। लिब्रेंस टू गेट ह्यूज बेनिफिट, मतलब लिब्रेंस को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये आ गया करीब करीब अब दोस्तों अप्रैल का लास्ट चेंज, शुक्र का चेंज दोस्तों, अप्रैल का लास्ट चेंज। और दोस्तों अभी इसके बाद आपने देखा कि हमने जो शेयर मार्केट की बात की थी, गोल्ड की बात की थी दोस्तों, वो सब दोस्तों एज पर द स्क्रिप्ट चलते चले जा रहे हैं। तो गोल्ड मार्केट में बहुत बड़ा इस समय एक वो ह्यूज बेनिफिट दोस्तों, एक जंप आ चुका है। तो हम लोगों ने देखा था गोल्ड के प्राइस दोस्तों बढ़ेंगे, और कई को दोस्तों हम लोगों ने पर्सनली जो हमारे क्लाइंट उनको हम लोगों ने सलाह दी थी, काफी टाइम से सलाह दी थी कि आप गोल्ड परचेज करना चाहें तो परचेज कर लीजिए, चाहे ज्वेलरी फॉर्म में या रॉ फॉर्म के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। उन लोगों ने परचेज करा तो आज वो काफी ज्यादा खुश है कि हमने टाइमली परचेज कर लिया। तो तब से लेकर 10-12% का रेट का वेरिएशन आ चुका है, ज्यादा का वेरिएशन आ चुका है दोस्तों। गोल्ड प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं, अभी रुकने वाले नहीं है, तो जिन लोगों ने लेना वो अभी भी ले सकते हैं वैसे दोस्तों। तो आज है 18, जब आप ये वीडियो देखेंगे उसको कल 19th अप्रैल को दोस्तों लोकसभा इलेक्शन का पहला फेज है, 19th को दोस्तों 102 सीटों पर इसका इलेक्शन रहने वाला है। और आप लोगों ने हमारे साथ ट्रैवलिंग करी है कि कब के हम बहुत टाइम दोस्तों लोकसभा को कवर करते चले जा रहे हैं, स्टेट बाय स्टेट हम लोगों ने कवर करा दोस्तों, पॉलिटिशियन बाय पॉलिटिशियन भी कवर करा उसे, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है हेमा मालिनी के ऊपर, अरुण गोविल के ऊपर, वो जीतेंगे हारेंगे, कंगना रनौत के ऊपर, तो इस तरह की हमारी काफी सारी वीडियोज हैं आप देखिएगा। अभी भी दोस्तों हमारी काफी सारी वीडियोज आनी है लाइंड अप 4 जून तक पहले पहले दोस्तों। तो फिर दोस्तों हम देखते हैं क्या क्या रहने वाले हैं, कोशिश करेंगे सीट बाय सीट चलने की। तो शुक्र का चेंज दोस्तों, अब तक शुक्र एग्जॉल्टेड था तो काफी बेनिफिट रहा होगा दोस्तों। हम लोगों ने जब वीडियो बनाई थी शुक्र एग्जॉल्टेड की, तो हमने कहा था राहु के साथ है इसको काफी सारा कंडीशन मिलेगी। तो जिन लोगों दोस्तों शुक्र ऑलरेडी एग्जॉल्टेड है पोजीशन के अंदर, ये बेटरमेंट में फील मतलब बेटर वो है प्लेसमेंट है उसकी, तो उनको दोस्तों काफी बेनिफिट मिला होगा दोस्तों, क्योंकि शुक्र लग्जरीज को डिनोट करता है, एग्जॉल्टेशन में आकर लग्जरीज को बढ़ा के चलता है। तो अब क्या है कि शुक्र यहाँ से मूव करेगा दोस्तों, मंगल की राशि में आ जाएगा, 1 नंबर में आ जाएगा, और दोस्तों 1 नंबर में आके उसका जो 7th एस्पेक्ट होगा दोस्तों वो जाएगा लिब्रा के ऊपर, यानी कि अपने ही साइन के ऊपर। और दोस्तों लिब्रा गुरु शुक्र की अपनी ही राशि होने के साथ साथ उसके मूल त्रिकोण राशि भी, उसकी स्ट्रॉन्ग राशि भी है। तो लिब्रंस को दोस्तों सेल्फ का लॉर्ड अपने ही साइन को जब देखेगा दोस्तों तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। उसमें सूर्य भी साथ में है, गुरु भी साथ में, तो इसका भी दोस्तों एक अलग से वो बेनिफिट मिलेगा, हम लोग बात करेंगे जब राशियों की बात करते हैं। तो सब 3 ग्रह यहाँ पे इकट्ठे हो गए मेष के अंदर, शुक्र, सूर्य और गुरु। हालांकि दोस्तों गुरु जो है 1 मई को यानी कि 1 हफ्ते के बाद यहाँ से करीब करीब मूव करके 2 नंबर में आ जाएगा, शुक्र की राशि में आ जाएगा। तो कहने का दोस्तों त्रिग्रह योग जो है भी 1 हफ्ते के लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। उसका दोस्तों ये जो गुरु है तो जब शुक्र के साथ वो मूव करके शुक्र की ही राशि में आ जाएगा, तो उसका दोस्तों का अलग इम्पैक्ट है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो शुक्र अब तक था राहु के साथ, मंगल के साथ, मंगल की हीट और राहु की बीमारी, राहु की एलर्जी। तो जिनको बीमारी की जो शुक्र से दोस्तों रूल आउट लोग थे, जिनको दोस्तों मंगल के साथ में ब्लड के इश्यूज हो गए, सेक्सुअल इश्यूज आ गए, या बात के चले कि राहु एलर्जी इश्यूज हो गए दोस्तों, गर्ल्स की बात करें हार्मोनल इंबैलेंस हो गया, पीरियड्स के इश्यूज हो गए, ओवरीज में दिक्कत आ गई, उसमें यूटरस में इश्यूज आ गए, उनको से यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा। बिकॉज शुक्र इन सब चीजों को ही डिनोट करता है, यूरिन को डिनोट करता है, गॉल ब्लैडर को डिनोट करता है, उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो हार्मोनल इश्यूज खत्म। और उसमें लिब्रेंस का बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का डायरेक्ट एस्पेक्ट ही लिब्रा पे चले गया, तुला पे चले गया। तो तुला को दोस्तों एक एक रूल है, थंबनेल रूल है दोस्तों, कि सेल्फ का लॉर्ड अगर अपने ही हाउस को देखेगा, अपनी ही राशि को देखेगा,
स्पेशली उस मूल त्रिकोण राशि को देखेगा तो दोस्तों उस सेल्फ को यानी कि आपको यानी कि आपके फिजिकल बॉडी को आपकी मेंटल बॉडी को या वो जो प्लेनेट दोस्तों जिस चीज को रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पर शुक्र दोस्तों पैसा का रिप्रेजेंटेटिव है तो बहुत बड़ा एक दोस्तों यहाँ पे पुश मिलता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये काफी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन। अब हम चलते हैं राशि बाय राशि, देखते हैं आगे क्या हम लोग एक्सपेक्ट करके चले अप्रैल के आखिरी चेंज से। दोस्तों चलिए सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं तो हम सीधा लगन पे आते हैं। वन नंबर एरीज मेष लगन मंगल की पहली राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज? तो इसके बाद हम बनाते हैं बुध जो कि दोस्तों डायरेक्ट हो जाएगा, अभी मार्ग बकरी चल रहा है तो रेट्रोग्रेड मोशन में डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बनाएंगे गुरु का वीडियो, एक बार गुरु दोस्तों जो 1 मई को चेंज होगा तो बहुत बड़ा चेंज। हालांकि एक दोस्तों हमने छोटी सी दोस्तों दो वीडियो बनाई थी उसके अंदर वो ज्यादा डिटेल में नहीं थी। अब हम बनाएंगे चार चार चार, कोशिश रहेगी दोस्तों चार राशि एक वीडियो में कवर करें जिससे हम डिटेलिंग ज्यादा दे पाए बिकॉज काफी ज्यादा बड़ा चेंज होने वाला है, वरना 2 बजे दोस्तों हमारी है ही है। दोस्तों हम एरीज की बात करके देखें जाता हुआ अप्रैल दोस्तों बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए। रीजन क्या दोस्तों? सूर्य जो कि 5th का लॉर्ड है एग्जॉल्टेड मोशन में किस्मत दोस्तों, गुरु जो कि दूसरा 9th का लॉर्ड है यानी कि 5th का लॉर्ड 9th का लॉर्ड दोस्तों आपके सेल्फ हाउस में ऑलरेडी आपकी किस्मत को बढ़ा के चल रहे थे, ऑलरेडी आपकी स्टडीज को बढ़ा के चल रहे थे, ऑलरेडी आपके लक आपके शेयर मार्केट आपके दोस्तों स्टॉक मार्केट को आपके म्यूचुअल फंड को आपके इंटरेस्ट इनकम को बढ़ा के चल रहे थे, उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ गया शुक्र जो कि आपके अपने चार्ट में आपके लाइफ पार्टनर का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों, और साथ में आपकी वेल्थ दोनों का साथ मिलना यानी कि वेल्थ के अंदर लाइफ पार्टनर के अंदर तो बहुत बड़ी यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक दोस्तों हमें कंपेटिबिलिटी मिल जाती है, चीजें बहुत बेटर हो जाती है। और साथ में दोस्तों क्योंकि शुक्र यहाँ पे 7th का लॉर्ड है यानी कि मैरिज का सेल्फ हाउस में आ चुका है यानी कि आपके अपने हाउस के अंदर, और 5th हाउस दोस्तों सूर्य जो कि लव को डिनोट करता है तो दोस्तों यहाँ पे लव मैरिज की बात करें वो प्रॉस्पेरिटी पे आती है, शादी के दोस्तों यहाँ पे योग बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कंपेटिबिलिटी उसको अच्छी हो जाती है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं तो उनके रिलेशनशिप में दोस्तों यहाँ पे आ जाती है। तो बेसिकली दोस्तों ये पर्टिकुलर चेंज बहुत ही बड़ा चेंज रहने वाला है, इतना बड़ा चेंज है दोस्तों कि आपकी मई की जो शुरुआत होगी या अप्रैल की जो एंडिंग होगी एग्जैक्टली जो मई दोस्तों रहने वाला है बहुत शानदार तरीके से काम करेगा बिकॉज दोनों किस्मत के स्वामी ब्लेसिंग से लॉर्ड दोस्तों सूर्य और गुरु साथ में, और शुक्र दोस्तों आपके लाइफ पार्टनर को भी डिनोट करके आ गया, आपके लव लाइफ को भी डिनोट करके लग्जरी और प्लेजर को बढ़ाई होगी, और शादी के योग बनेंगे वो अलग बात है वो एडवांटेज अलग है। चलिए एरीज इस लगन का हो गया, अब हम आते हैं सेकंड नंबर टॉरस वृषभ शुक्र की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से, मुश्किलों को दूर करने अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपके आने वाला टाइम कैसा है, तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर टॉरस वृषभ। टॉरस की बात करके इनके दोस्तों, हालांकि दोस्तों शुक्र जो है इनका भी लॉर्ड बनता है, इनका भी स्वामी बनता है दोस्तों, और दोस्तों शुक्र की अगर हम लोग बात करें तुला लगन की बात करें और वृषभ लगन की बात करें, तुला लगन का दोस्तों शुक्र ज्यादा बेटर होता है बिकॉज तुला लगन जो होता है लिब्रा असेंडेंट जो होता है वो मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे शुक्र आ गया 12th हाउस के अंदर, दो से दोस्तों 12th हाउस में आ गया तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव चेंज नहीं होता जब आपका सेल्फ का लॉर्ड आपके सेल्फ के राशि से 12th हाउस में आता है, इसको एक्सपेंसिस कहते हैं खर्चा कहा जाता है। अब दोस्तों खर्चा का मतलब खाली पैसे खर्चा नहीं होता, शरीर का खर्चा भी होता है, बीमारी दोस्तों शरीर आपका खर्चा हो गया, शरीर पर एक्सपेंस हो गया, तो नेगेटिव थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हो जाता है दोस्तों शुक्र का यहाँ पे आना। और दोस्तों 12th हाउस ओवरसीज का ही होगा आपके होमलैंड का, दोस्तों ये होगा आपके घर का, दोस्तों घर का जो लॉर्ड है सूर्य उसका भी यहाँ पे हो जाना, और दोस्तों 11th इनकम का लॉर्ड दोस्तों गुरु उसका भी यहाँ पे हो जाना, यानी कि ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस दोस्तों यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब ट्रैवलिंग दोस्तों अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, मतलब अच्छे काम के लिए सामने घूमने जाना है वैकेशन के लिए वो एक दोस्तों अच्छी होगी। एक होगा कि आपको बाई चांस आपका कोई रिश्ते आ रहा है, कोई आप मान लीजिए आप फॉरन में रहते हैं आपके घर में पेरेंट्स आपके बीमार हो गए तो उनको देखने जाना पड़े आपको, तो नेगेटिव लग हो जाता है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे एक्सपेंसिस पे खर्चा बढ़ता नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी अपने को रहने वाली है क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा चेंज दोस्तों मैं नहीं कहूंगा इसको, काइंड ऑफ दोस्तों मिक्स काइंड ऑफ चेंज रहने वाले। और तो यही शुक्र आपके अपने 6th हाउस को जब देखेगा यहाँ पे 7th को, तो इसमें एक अपने को यहाँ बेनिफिट मिल जाता है कि जिनके दोस्तों कर्जे का योग चल रहा है, जिनके कर्जे ये दोस्तों जिनको यूरिन में इश्यूज है, यूरिन में इन्फेक्शन रहता है, उनको थोड़ी यहाँ पे दिक्कत कम होगी। जिन गर्ल्स की बात करें हार्मोनल इम्बेलेंस की बात करें उनको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रीजन भी कि 6th हाउस दोस्तों गर्ल्स के हार्मोनल इम्बेलेंस को डिनोट करता है और शुक्र अपने ही साइन को देखे उस चीज को कट डाउन करेगा, उस चीज को निगेट करेगा, तो उस मामले दोस्तों ठीक है। बट ओवरऑल हम लोग मुझे यहाँ पर दोस्तों खर्चे बढ़ते हुए आपके नजर आ रहे हैं, खर्चे अच्छे होंगे या बुरे होंगे वो आपके कुंडली बताएगी। दोस्तों बस 1 मई को जब सूर्य सॉरी जुपिटर दोस्तों यहाँ पे मूव करके आपके सेल्फ हाउस में आ जाएगा और 11th करोड़ बनकर यहाँ पे आएगा,
तो यहाँ से दोस्तों लाइफ आपके पलटने का चांसेस बन जाते हैं, यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगी। और दोस्तों शुक्र का जो अगला चेंज होगा 19 मई को, वो भी आपके अपने सेल्फ हाउस में आ जाएगा गुरु के साथ, तो फिर तो कहना ही क्या। यानी कि ये हफ्ता थोड़ा सा टफ रहने वाला है 24 अप्रैल से लेके 1 मई तक का। 1 मई से अपने को रिलीफ मिलेगा जब गुरु का चेंज होगा, और दोस्तों 19 मई को जब शुक्र भी यहाँ पे लैंड कर जाएगा, तो दोस्तों कहना है क्या। तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा बचाएं, और जो खर्चे हम अवॉइड दोस्तों हो सकते हैं उनको अवॉइड करके चलें, फालतू खर्चा करने से बचें, सेविंग्स करें, क्योंकि आगे यही चीज आपके काम आने वाली है। चलिए टॉरस वृषभ का भी हो गया, मतलब इनके लिए इनका थोड़ा हेल्थ पे खर्चा हो सकता है, बाकी खर्चे बढ़ते नजर आ रहे हैं मुझे। हाँ चलिए टॉरस वृषभ का हो गया। हम आते थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारा चैनल जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको हमारा नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन। दोस्तों जेमिनाई मिथुन बुध की राशि, दोस्तों ये अच्छा खासा चेंज है, दोस्तों बहुत बड़ा चेंज रहने वाला है दोस्तों। अगर आप नोटिस करेंगे एक नंबर बनता है आपका गेंद हाउस, विश फुलफिलमेंट, डिजायर वाला हाउस दोस्तों। तो वहां पे शुक्र जो कि आपके अपने चार्ट के अंदर दोस्तों फिफ्थ किस्मत का लॉर्ड बनता है दोस्तों, अपने फिफ्थ हाउस को देखेगा, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज इनकम में दोस्तों यहाँ पे बढ़ोतरी, अनएक्सपेक्टेड इनकम के सोर्सेज बनेंगे, स्टॉक मार्केट से आपकी इनकम आती है, शेयर मार्केट से आपकी इनकम आती है दोस्तों, और फिफ्थ हाउस दोस्तों बच्चों का होता है, तो बच्चों में प्रॉस्पेरिटी आती है, बच्चों के लिए यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों। जिन लेडीज को प्रेगनेंसी में इश्यूज आते हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, इनके IVF के डेट है, IUF के डेट, IUI के डेट है दोस्तों, उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज फिफ्थ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस को देख के चीजों को बेहतर करता है, और वो साथ में गुरु भी सपोर्ट करने वाला है, बिकॉज गुरु होता ही प्रेगनेंसी के लिए, किड के लिए होता है, किड्स के लिए होता है दोस्तों, तो यहाँ पे चीजों को बेहतर। और दोस्तों सूर्य जो कि सेल्फ को डिनोट करता है आपके चार्ट में थर्ड, तो सेल्फ की पावर आपकी पेशेंस को बढ़ाएगा, आपके कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हो कि आपको कॉन्फिडेंस को यहाँ पे बढ़ा के चल रहा है। तो ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों आपकी इनकम के लिए, आपके प्रेगनेंसी के लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके स्टॉक मार्केट से आपकी सर्कुलेशन की इनकम के लिए बहुत अच्छा। एंड एड टू दैट दोस्तों जुपिटर जो यहाँ पे है वो 10th का लॉर्ड है, 10th यानी कि प्रोफेशन का, वो है आपके इनकम हाउस के अंदर, तो प्रोफेशनल इनकम को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ा के चलेगा। तो कुल मिला के दोस्तों काफी बड़ा चेंज यहाँ पे, अपने को बेनिफिट लेने, सेविंग्स करनी है हमने, इन्वेस्टमेंट करनी है, बिकॉज 11th हाउस इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, 5th हाउस दोस्तों कहीं ना कहीं इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट को डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे यहाँ पे ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको काफी इसका बेनिफिट मिले दोस्तों। अब अगला जो चेंज होगा गुरु का, वो आ जाएगा आपके 12th हाउस के अंदर 2 नंबर के अंदर, वो दोस्तों काफी अच्छा चेंज रहने वाला है, उसकी दोस्तों वीडियो बनेगी, फिर आपकी प्रॉपर्टी के यहाँ पे योग बनेगी, उसके बाद करेंगे। चलिए थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन का भी हो गया, अब हम आते हैं 4 नंबर कैंसर कर्क, इनके लिए कैसा रहेगा चंद्रमा की राशि। दोस्तों एक और ऐसा लग्न जिनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, 1 नंबर हो गया दोस्तों आपका करियर हाउस, आपका 10th हाउस, तो वहां पे शुक्र का आना, और अपने ही 4th हाउस यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब शुक्र की लैंडिंग होगी तो अपने 4th हाउस को लैंड करेंगे, तो ये हो गया प्रॉपर्टी, मतलब ये हो गया दोस्तों आपका प्रोफेशन 10th हाउस, ये हो गया आपका फैमिली, आपका आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी गाड़ी, तो यहाँ पे जब दोनों चीजें आपस में कनेक्ट होंगी तो आपका कामकाज बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी के योग दोस्तों यहाँ पे बनते हैं, तो शुक्र कन्वेंस को डिनोट करता है, गाड़ी के यहाँ पे दोस्तों योग बनते हैं वो दोस्तों, क्योंकि 4th हाउस होता है आपके घर का, तो घर में दोस्तों लग्जूरियस आइटम्स का कहीं ना कहीं आना जाना लगता है, एसेट्स घर के अंदर होते हैं, रेनोवेशन घर के अंदर होता है, खुशियां बढ़ती है, शुक्र दोस्तों अच्छे कामों पर ही खर्चा करवाते हैं ज्यादातर, तो घर पे अच्छे काम पे दोस्तों खर्चोंगे, रेनोवेशन को आपने नया एसेट लिया, घर में आपने पेंट करवाया, आपने रेनोवेट किया, मतलब कुछ भी ऐसा काम जो घर के अंदर खुशियों को बढ़ा के चलता है, तो ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों बहुत अच्छा। और दोस्तों साथ में सूर्य भी इन्वॉल्वमेंट है, तो सूर्य का इन्वॉल्वमेंट सेल्फ का लॉर्ड बनता है, सॉरी सेकंड सेविंग्स का, और दोस्तों सेविंग्स का लॉर्ड वो ऑलरेडी करियर हाउस के अंदर है दोस्तों, एग्जॉर्शन में और 4th हाउस पे, यानी कि आपकी सेविंग्स या आपकी वेल्थ बढ़ेगी दोस्तों आपकी प्रॉपर्टी की वजह से, तो जो लोग रियल एस्टेट के अंदर है उनको यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो कुल मिला के बहुत ही शानदार चेंज, बहुत ही बिंदास चेंज दोस्तों। अभी जो 24 तारीख को ये है दोस्तों, 24 को वाला भी चेंज है, 23 को दोस्तों एक दिन पहले, इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने वीडियो बनाई थी मंगल की, वीडियो कि मंगल का चेंज होगा आपके मीन राशि के अंदर, उसमें मीन राशि बनते हैं आपके 9th हाउस में, यानी कि ये चेंज और दोस्तों हमारी जो इससे पहले की वीडियो थी उसकी मंगल की भी, उसको चेंज को हम लोग फैक्टर करें, उनको कंपैटिबिलिटी लेकर चले, तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है किस्मत, घर, पैसा, नाम, शौहरत सब कुछ आपके कदम चूमेगी। और दोस्तों इसके बाद जब गुरु का भी चेंज हो जाएगा 1 मई को, जो कि आपके इनकम हाउस में आ जाएगा, तो फिर तो दोस्तों कहना ही क्या। तो यानी कि बाकी का 2024 दोस्तों बहुत अच्छा रहने वाला है, उसके हम 1 by 1 बात करेंगे जब वो भी चीजें, अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि बड़ा सोचिए और सिर्फ बड़ा ही सोचिए, छोटा सोचेंगे तो नुकसान करेंगे अपना। चलिए फ्रेंड्स हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का 2 लग्नों का जानने के लिए।
तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ नंबर लियो सिंह, सूर्य की राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे सिंह लगन की बात करके देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो बनता है शुक्र वो बनता है दोस्तों टेंथ का लॉर्ड और थर्ड का लॉर्ड, यानी कि टेंथ होगा आपका करियर आपके प्रोफेशन, थर्ड होगा आपका सेल्फ आपके ट्रेवलिंग, यानी हल्का सा भी यहाँ पे अगर इस कुंडली में शुक्र अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा दोस्तों तो करियर में दोस्तों बहुत ऊंचाइयां देता है, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करवाता है दोस्तों। और अब जो इसका पर्टिकुलर दोस्तों चेंज होगा दोस्तों, वो चेंज हो रहा है आपके नाइन्थ हाउस के अंदर दोस्तों। अब तक था क्या शुक्र यहाँ पे था आपके एट्थ हाउस में, बहुत इफेक्टिव नहीं था, अब आ गया आपके नाइन्थ हाउस के अंदर दोस्तों, राहु से दूर आ चुके हैं दोस्तों, मंगल से दूर आ चुके हैं, और नाइन्थ हाउस में शुक्र दोस्तों आप देखिए टेंथ का लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस दोस्तों, हमारी एस्ट्रोलॉजी में इससे बड़ा राजयोग नहीं होता जब टेंथ और नाइन्थ हाउस में कनेक्ट होते हैं दोस्तों। टेंथ होगा सबसे मजबूत केंद्र दोस्तों, नाइन्थ होगा सबसे मजबूत त्रिकोण दोस्तों, जब दो लोग मजबूत लोग मिलेंगे तो जो उसका जो रिजल्ट है दोस्तों बहुत ज्यादा पॉजिटिव आता है, तो बहुत सुपर फैंटास्टिक दोस्तों चेंज होने वाला है। अगर किस्मत की बात करें, करियर में बात करें, धर्म और कर्म दोस्तों जब मिलते हैं ना, तो कर्म और धर्म दोस्तों आपका हार्डवर्क और आपकी किस्मत जब दोस्तों आपस में मिलती है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस भी इन्वॉल्व है, थर्ड का भी लॉर्ड दोस्तों शुक्र है, अपने ही थर्ड हाउस को दोस्तों इसका एस्पेक्ट जाने वाले, तो थर्ड हाउस में नेटवर्किंग, तो जिनका नेटवर्किंग का काम है, बिजनेस है, जॉब है दोस्तों, उनको बड़ा फायदा मिल जाता है। जिनका तो फ्रेंड सर्कल के साथ काम है, जिनका दोस्तों स्टार्टअप अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप बिजनेस, उनको दोस्तों बहुत फर्क, जिनका टूर एंड ट्रेवल का दोस्तों काम है, जिनका घूमने फिरने का काम है दोस्तों, ज्यादा ट्रैवलिंग उनकी ज्यादा रहती है, उनको तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। जो दोस्तों एयर होस्टेस होती है, जिनका सर घूमने के काम होता है, या पायलट हो गए दोस्तों, जो टीटी हो गए दोस्तों, ट्रेन में रहते हैं रेलवे के अंदर, तो उनको दोस्तों काफी फायदा मिलेगा यहाँ पे। रीजन भी सारा काम दोस्तों ट्रैवलिंग का ही रहता है, उनका काम वगैरह टिक के नहीं होता, तो ये सब चीजें और ये इनका कॉम्बिनेशन दोस्तों एक ही खबर मिलकर चल रही है कि चीजें बहुत सुंदर होने वाली है दोस्तों। और क्योंकि दोस्तों आपका जो लॉर्ड सूर्य वो ऑलरेडी एग्जॉल्टेड हो चुका है, तो फिर तो दोस्तों कहना कि फिंगर क्रॉस। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें मैंने बात की थी कि सूर्य का जो गोचर हुआ उसमें तीन जो हमारे वो है नेता, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो उसमें सोचा एक नंबर पांच की बात की थी दोस्तों योगी जी, उनको जो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों अब, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो अगले दिन तो वो है दोस्तों चुनाव का पहला फेज में, यूपी के भी कुछ सीटें, पहले फेज में दोस्तों योगी जी को काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो ये सारे चेंजेस हम लोग देख के चले, चीजों को बहुत बेहतर कर देते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर लियो सिंह का भी हो गया, मतलब सिक्स नंबर वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि, इनके लिए कैसा रहेगा ये चेंज दोस्तों? अब वर्गो के अंदर क्या है, शुक्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट बनते हैं, इनफैक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, सेकंड होगा आपका वेल्थ आपका लॉकर, और सो नाइन्थ होगा किस्मत, इन दो पॉजिटिव हाउसेस का लॉर्ड शुक्र अगर बनेगा दोस्तों तो अपने अंदर पैसा भी लेके चलते हैं, अपने अंदर दोस्तों किस्मत भी लेके चलते हैं, ब्लेसिंग भी लेके चलते हैं, आपके पिछले जन्म के दोस्तों कर्म उनका भी दोस्तों कहीं ना कहीं लेके चलता है। अगर हल्का सा भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग शुक्र होगा कन्या राशि के अंदर, कन्या लगन के अंदर दोस्तों इंसान के बारे में न्यारे कर देता है, हल्का सा भी वीक होगा दोस्तों तो इंसान को जमीन में दोस्तों गिरा देता है। तो यहाँ पे तो शुक्र आ गया आपका एट्थ हाउस के अंदर, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता दोस्तों कि एट्थ हाउस में शुक्र का आना, या एट्थ हाउस दोस्तों को बहुत पॉजिटिव हाउस नहीं होता, तो इम्पैक्ट अच्छा रहेगा। रीजन भी कि अपने ही साइन को दोस्तों यहाँ पे देखने से थोड़ी दोस्तों सेविंग्स बढ़ेंगी, या इसको यूँ कहिए कि सेविंग्स आपकी कम नहीं होंगी, अगर बढ़ेंगे नहीं तो कम नहीं होंगी, इंटैक्ट रहेंगी, कोई खर्चा आने वाला भी होगा नेगेटिव खर्चा, बच जाएगा दोस्तों खर्चा। हालांकि दोस्तों नाइन्थ हाउस को लॉर्ड जब भी एट्थ हाउस में आता है, इसको हम लोग गड्ढा कहते हैं, किस्मत गड्ढे में चली जाती है दोस्तों, थोड़ी सी नेगेटिविटी आती है, हर्डल्स बढ़ जाती है, चीजें डिले हो जाती है, स्टैग्नेट हो जाती है, बट थैंकफुली दोस्तों शुक्र यहाँ पे क्योंकि अपने ही साइन को देख रहा है दोस्तों, अपने ही साइन को दोस्तों देखने से कहीं ना कहीं अपने को ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपकी सेविंग दोस्तों अगर नहीं बढ़ेंगे ना तो कम नहीं होंगी, इंटैक्ट रहेगी। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में देना है कि अभी का जो टाइम है थोड़ा सा नेगेटिविटी वाला टाइम है। हाँ दोस्तों एक बहुत बड़ा लाइफ का चेंज होने वाला है, प्रैक्टिकली दोस्तों आपकी लाइफ चेंज हो सकती है वहां से, जब जुपिटर के दोस्तों मूवमेंट आपका नाइन्थ हाउस में होगी फर्स्ट ऑफ मे को नंबर दो के अंदर, दोस्तों जैसे ही गुरु की यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी आपकी लाइफ प्रैक्टिकली दोस्तों चेंज हो जाएगी, और हल्की सी मेहनत आपने करनी है, हल्का सा भी लक ने आपको सपोर्ट करा तो जिंदगी आपकी आसमान छुएगी। बट अभी के लिए दोस्तों ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा चेंज नहीं है, और दोस्तों साथ में क्योंकि सूर्य भी है तो आपके उनमें दोस्तों ट्वेल्थ का लॉर्ड है, खर्चे और नेगेटिव खर्चा दोस्तों वो थोड़ा सा हमें खर्चों को बता के चलना, शरीर पे खर्चा ना हो जैसे की चीजें ना हो उसको थोड़ा बता के चलेंगे। हालांकि दोस्तों मुझे बिकॉज यहाँ पे सेविंग वाला हाउस आपका इंटैक्ट है, अपना साइन तो उसका एस्पेक्ट है, तो उस पर बहुत ज्यादा डेंट पड़ता नजर नहीं आ रहा, हालांकि दोस्तों बहुत सारा चेंज नहीं है, बट ठीक है दोस्तों आपको सर्वाइव करने में मदद करेगा चेंज आगे वाला। चलिए फ्रेंड्स छह लग्नों की बातें हो गई, कैसा रहेगा शुक्र का चेंज, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है, तो आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे है। बाकी के छह लग्न हम कल पार्ट टू में डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, और रेमेडीज भी उसी में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट टू वीडियो पर, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।